आरक्षण को लेकर अब बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रत्यक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के द्वारा SC ST मामले में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि पहले पूरा आदेश आ जाने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कैबिनेट में कौन मंत्री है जो झूठ बोलता है और दिन भर लोगों को बरगलाने का काम करता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC ST कोटे में क्रीमी लेयर कहां से आ गया, ये तो था ही नहीं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP की साजिश है ये, और साजिश के तहत ही किया गया है। BJP के सभी लोग इस बारे में जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले से आरक्षण चलता आ रहा है और हम लोग उसके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बैठे मंत्री झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, भाजपा का चाल चरित्र सभी जानते हैं। कॉपी नहीं मिलेगी, और जब तक हम लोग शब्दों को नहीं देख लेते तब तक इस पर करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है, जो दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला, ये क्रीमी लेयर का आशा है। क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया दलितों को, आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है, और जो पहले से जो चलता है, जो आरक्षण है, हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, कहाँ से आया क्रीमी लेयर? लेकिन कैबिनेट में कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग इस तरह का काम में लगे रहते। हैदराबाद से पटना एयरपोर्ट पहुंची मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी का उनके प्रशंसकों ने स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, साथ ही उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वो कुछ ही दिनों में साउथ और अन्य फिल्मों में भी काम करती हुई नजर आएंगी। आने वाली पीढ़ी को उन्होंने संदेश दिया और कहा कि जगह बड़ी नहीं होती है बल्कि सोच और मेहनत बड़ी होती है। 1-to-1 का मौका मिलेगा और मैं विजेता रही, और ये आप देख रहे हैं मेरे घर परिवार और बाकी सारे लोगों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, और समय आने पे आप सबों से वोट मांगूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी? हाँ जी, क्या एक बिल्कुल मैं आशीर्वाद ही लेने के लिए जा रही हूँ मुख्यमंत्री जी के पास, और ये सारे लोग जो है ये आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पे आए। मैं एक एक यहाँ मेरे दोस्त अंकल सब लोग आ रखे हैं, एंड मैं बहुत ज्यादा आई एम फीलिंग टू मच ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड। एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग सो मच, थैंक यू। इस इंडिया में भी रिप्रेजेंट कीजिएगा बिहार को। मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगी, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप बिल्कुल मुझसे खुश होंगे और आपका जो वोट है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का दिन काफी वार्म वेलकम किया गया आपको एयरपोर्ट पे, वार्म वेलकम किया गया, उसको लेकर क्या कहिएगा? चूंकि बिहार में पहली बार हुआ है और मैं विजेता रही हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जो है वो इतना ज्यादा खुश और प्रभावित होंगे। मैं आगे और भी आप लोगों को प्राउड करूंगी। थैंक यू सो मच।